मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बची दो सीटों में अपने प्रत्याशी उतार कर सस्पेंस खत्म कर दिया है। जी हाँ, ये सस्पेंस थोड़ा नहीं बड़ा सस्पेंस था। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ चौंकाने वाला निर्णय भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत और दावेदारी रखने वाले दो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका टिकट कट चुका है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर चौंकाने वाला निर्णय लिया। इस निर्णय में मौजूदा सांसदों के टिकट कट चुके हैं। दोनों मौजूदा सांसद पूर्व में उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बड़े नाम, बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे, लेकिन इनका टिकट कट चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कद्दावर नेताओं में से समार निशंक उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो तीरथ सिंह रावत एक सांसद के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो पुष्कर सिंह धामी से पहले और उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ही समय का उनका कार्यकाल रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल विवादित भी रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इन दो सीटों में से किन किन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और किन पर भरोसा जताया हुआ है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री निशंक का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में उनकी नाराजगी भी देखी जा रही थी। पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उनके कई जगह बयानबाजियां भी अटकलों में थी और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की सरकार को त्रिवेंद्र सिंह रावत घेरते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन आलाकमान ने उसके बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर यहाँ भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में खड़ा कर दिया है। वहीं बात करें पौड़ी से, तो पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल विवादित रहा और उनको कहीं ना कहीं ये आशंका भी थी कि टिकट कटने का। कल ही तीरथ सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो करते हुए भी नजर आए। अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उनको आश्वस्त कर रहे थे कि आने वाले समय में तीरथ सिंह ही उनके सांसद बनेंगे। तीरथ सिंह रावत स्वामी स्वभाव के नेता हैं। हालांकि मुख्यमंत्री काल में उनके कुछ विवादित बयानों से उनकी छवि धूमिल जरूर हुई है। तीरथ सिंह रावत का टिकट काट यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अनिल बलोनी को मैदान में उतारा है। अनिल बलोनी इस समय राज्यसभा सांसद हैं। 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उनके कार्यकाल समाप्त से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा तोहफा दिया है। अनिल बलोनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भी हैं और नेशनल मुद्दों के साथ साथ उत्तराखंड के मुद्दे भी वो बखूबी उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी गहरी पकड़ है। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वहीं उनकी केंद्र में भी JP नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे ताल्लुकात भी हैं। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के झोली में 5 के 5 सीट फिर से आने की उम्मीद की जा रही है और कहीं ना कहीं मीडिया सर्वे में भी यही दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से 5 के 5 सीट मिलेगी। जी हाँ, ये 5 के 5 सीट सांसदों के बलबूते या फिर उनके कार्यकाल में किए हुए कामों की वजह से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ये 5 के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जानबूझकर अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में नहीं उतारा, या यूं कहें कि दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव में लड़ने की रुचि नहीं दिखाई। अगर उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर लोकल मुद्दे भी काफी हावी होने की आशंकाएं जताई जा रही है। इनमें प्रमुखता से अंकिता भंडारी, भर्ती घोटाले और तमाम ऐसे जो धामी सरकार में कारनामे हुए हैं जिनसे युवा खपा भी हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता नाराज भी है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या ये 5 के 5 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या फिर उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है दूसरे विकल्प के लिए। आपका क्या मानना है, भारतीय जनता पार्टी अपने 5 के 5 सीट बचा पाएगी या फिर यहां कांग्रेस पार्टी अपने किसी दावेदारी को मजबूत कर पाएगी? और साथ ही निर्दलीय जो 2 प्रत्याशी आपके सामने दिख रहे हैं, बॉबी पवार और अंकिता भंडारी की मां भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अगर ये 2 प्रत्याशी
टेहरी और पौड़ी से मैदान में उतरते हैं तो क्या समीकरण भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ पाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर कम हो पाएंगी, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो 5 संसदीय क्षेत्र हैं इन पर शेतमारी कर पाएगी। किसे आप सांसद देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के झोली में 5 के 5 सीट आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में फिर होती मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।